व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष, एक मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो अपन क्लास 9 सीबीएसई एंड आरबीएसई बोथ बोर्ड्स का जो चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपको गिवन हो, गिवन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर। इस एक्सरसाइज में अपन फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो करेंगे स्पेयर का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में रेडियस गिवन आपको 5.6 सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट में अपने गिवन यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा इसका फर्स्ट पार्ट का। रेडियस जो गिवन है वो गिवन आपको 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना अपने को यहाँ पे सरफेस एरिया, तो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का 4πr². सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होगा 4πr² वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस अपने पास 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। अब यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, डिवाइड में अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 10, और पॉइंट रिमूव करेंगे डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे 10। 7 से कैंसिल आउट करेंगे 105 को, तो हो जाएगा अपने पास 7 को वन टाइम करेंगे 7, रिमेनिंग 3, 7 5 35। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 को 3 टाइम करेंगे 15, और 5 को 2 टाइम करेंगे तो हो जाएगा अपने पास ये 10। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, इसको कैंसिल करेंगे 5 को 2 टाइम करेंगे 10, और ये आ जाएगा अपने पास 21। 2 से 2 कैंसिल, सो फाइनल आपके पास बचा यहाँ पे रिमेनिंग, वो आएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 21। इट मीन्स 22 मल्टीप्लाई 21 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 63, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 126, 6 12 कैरी, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 126 प्लस 12 इज इक्वल टू 138। तो अपने पास आंसर आएगा इसका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया आंसर। अब सिमिलरली इसका पार्ट अब सेकंड और थर्ड अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो सेकंड पार्ट में क्या होगा, इसका जो सेकंड पार्ट आपको गिवन है उसमें रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना आपको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फाइंड आउट करना, फॉर्मूला हो जाएगा 4πr² वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5.6 है, इसको आप लिख सकते हो 56/10। पॉइंट रिमूव करके डिवाइड बाई क्या कर देंगे 10, ये हो जाएगा 56/10। सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 से इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 8 टाइम, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 8 को 4 टाइम करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई भी अपने पास 56, और डिवाइड में हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। 32 22 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 22 को 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 44, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 66, 66 22 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 66 प्लस 4 ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 7704 मल्टीप्लाई बाई 56 डिवाइड बाई हो जाएगा अपने पास 100। इसको मल्टीप्लाई करने अपने पास आएगा 3924 डिवाइड बाई 100। इसका फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से जीरो रिमूव करेंगे तो फिर अपने पास टू डिजिट से बाद में क्या लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलर इसका जो पार्ट थर्ड है इसमें रेडियस आपको गिवन है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। इसका पार्ट थर्ड हो जाएगा यहाँ पे जो रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर
इज इक्वल टू 4πr² वैल्यू पुट करेंगे 4 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 14 × 14 7 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 2 times और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 × 2 = 8 × 22 × 14 इज इक्वल टू अपने पास आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कैंसिल आउट किया 14 को 2 times 4 × 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 8 × 22 × 14 8 × 22 × 14 करेंगे तो आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका अपने पास आ जाएगा थर्ड पार्ट का सरफेस एरिया। अब सिमिलरली जो उनके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन थी और सेकंड जो अपने पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 का वो आपको गिवन है फाइंड सरफेस एरिया। इसमें भी आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी किसका, स्फीयर का, लेकिन इसमें आपको रेडियस की जगह क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। डायमीटर आपको 14 दे रखी है तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ 21 है तो हो जाएगा 21/2 3.5 है तो 3.5/2। सिमिलरली ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की जैसे ही होगा लेकिन यहाँ पे डायमीटर आपको गिवन है। शुरू सुनोगे इसमें फर्स्ट पार्ट का डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी इसकी अपने पास 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करेंगे इसमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हो जाएगा फॉर्मूला 4πr² वैल्यू पुट करेंगे 4 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हो 7 × 7 स्क्वायर है तो 7 × 7 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 × 7 इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आ जाएगा मेरे पास आंसर। डायमीटर गिवन थी, रेडियस फाइंड आउट किया, फिर वो सेम फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr² 7 से 7 कैंसिल 22 को 4 से करने पे 88 × 7 इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो क्वेश्चन सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें डायमीटर आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, जो रेडियस होगी यहाँ पे हो जाएगी डायमीटर का हाफ 21/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 4πr² सोल्व करेंगे 4 × 22/7 × 21/2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 से 4 कैंसिल 7 को करेंगे 21 को कैंसिल करेंगे 7 से 3 टाइम्स ये हो जाएगा 22 × 63 21 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 63 इज इक्वल टू इसका आंसर अपने पास आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका अपने पास आंसर। अब सिमिलर इसका जो पार्ट अपने पास थर्ड गिवन है, थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका डायमीटर गिवन है आपको 3.5 मीटर रेडियस होगी इसके अपने पास यहाँ 3.5/2 और यहाँ से पॉइंट रिमूव करके डिवाइड बाय अपन क्या कर सकते हैं 20, तो इसको आप लिख सकते हो 35/20 meter रेडियस। अब इसमें फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr² 4 × 22/7 इंटू रेडियस 35/20 × 35/20 अब कैंसिल करेंगे 2 से 2 यहाँ पे हो जाएगा 10 2 से 20 कैंसिल करेंगे तो 10 7 से 35 को करेंगे तो 5 ये हो जाएगा कैंसिल करने पे 22 को 5 से करेंगे तो 110 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 35 से हो जाएगा 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110 × 35 और डिवाइड बाई करेंगे यहाँ पे अपने पास 10 × 10 100 तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 38.5
5 मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको डायमीटर गिवन थी, वहाँ से आपने रेडियस फाइंड आउट की, इनका हाफ करके वही सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई किया सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी पास फाइंड आउट अप्लाई किया आपने 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 616, इसका आंसर आएगा 1386, और इसका आंसर अपने पास आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन आपको 13.4 की एक्सरसाइज में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का टी एस से पूछा आपसे, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू जो यूज करनी है वो करनी है आपको 3.14। सोल्यूशन होगा इसका, जो रेडियस गिवन आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। वी नो डैट टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर का फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3.14, पाई की वैल्यू गिवन आपको 3.14, रेडियस की वैल्यू गिवन आपको 10 × 10, आर स्क्वायर तो 10 × 10 हो जाएगा 3 × 3.14। यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो अकाउंट में हो जाएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाई 10, को 10 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 100, 100 से 100 क्या होगा कैंसिल, ये हो जाएगा 3 × 3.14, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 4 को 3 से 12, 3 को 1 से 3 प्लस 1, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4, 3 को 3 से करने पे 9, 9 4 2, साथ में आ जाएगा एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही पूछा था आपको, टी एस ए फाइंड आउट करना था, रेडियस गिवन थी, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट की आंसर आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 गिवन है एक्सरसाइज 13.4 में, वो गिवन है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14। पहले जो रेडियस थी वो कितनी थी उसकी 7, इंक्रीज होकर अपने पास रेडियस कितनी हो गई यहाँ पे 14। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, जब उसमें एयर क्या किया पम्प्ड किया, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। दोनों केस में आपको सरफेस एरिया का क्या बताना है रेशियो। दोनों केस कौन कौन से हो गए, फर्स्ट रेडियस आपको क्या लेनी है यहाँ पे 7, ये तो फर्स्ट केस हो गया, और सेकेंड में रेडियस आपको क्या लेनी है यहाँ पे 14, ये हो गया सेकेंड केस। दोनों केस में आपको निकालना है सरफेस एरिया, फिर फाइंड आउट करना है उसका रेशियो। सोल्यूशन होगा इसका, यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में जो रेडियस आपको गिवन वो गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर क्या गिवन अपने को यहाँ पे रेडियस। अब फाइंड आउट करेंगे उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो हो जाएगा फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई पाई क्यूब हो जाएगी यहाँ से 22/7 इंटू आर क्यूब हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको एज इज रख लो और हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में अपने पास जब रेशियो निकालेंगे ना तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करते तो भी पाई से पाई लास्ट में क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, पाई की फॉर्म भी रख सकते थे यहाँ पे, लेकिन पाई की वैल्यू पुट कर दी तो 7 से 7 कैंसिल, 7 को 4, 4 × 22 × 7 अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका सरफेस एरिया। और जो सेकंड केस आपको गिवन है केस सेकंड, उसमें जो रेडियस गिवन है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, कैपिटल आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और इसमें सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 × π हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 14 × 14, 7 से कैंसिल आउट करेंगे इसको 2 टाइम्स, हो जाएगा 4 × 22 × 14 × 2, और इसको पूरे को कर दो आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेकंड केस में आपके पास सरफेस एरिया, ये आ गया फर्स्ट केस में सरफेस एरिया, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और ये हो गया सेकंड केस में आपके पास सरफेस एरिया। फाइंड आउट करना आपको रेशियो दोनों का।
तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज इसका सरफेस एरिया है, इसको आपने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे एस वन से, और इसका जो सरफेस एरिया है इसको रिप्रेजेंट कर लो आप यहाँ पे एस टू से। तो आपको एस वन और एस टू का रेशियो बताना है, तो हो जाएगा यहाँ पे एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू, एस वन की वैल्यू पुट करेंगे 4 × 22 × 7 अपॉन, एस टू की वैल्यू पुट करेंगे 4 × 22 × 14 × 2, 22 से 22 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 14 को कैंसिल करेंगे तो 2 times ये आएगा यहाँ पे ऊपर, तो रिमेनिंग बचा 1 और 2 × 2 ही हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आएगा अपने पास फाइनल 1:4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आंसर आ जाएगा 1:4। फर्स्ट केस में सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, सेकंड केस में सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, दोनों का फाइंड आउट कर लिया आपने यहाँ पे रेशियो, 4 से 4 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 14 कैंसिल 2 times, तो 1/4, 1:4। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको गिवन है एक्सरसाइज 13.4 में, वो गिवन है ए हेवी स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, आपको जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 rupees per 100 cm square, आपको कॉस्ट बतानी है किसके अकॉर्डिंग, कि 100 cm square की कॉस्ट आपके पास है 16 rupees, ठीक है, तो उसकी जो इनसाइड है हेमिस्फेरिकल जो बाउल आपको दिया है उसके अंदर की ओर आपको टिन प्लेटिंग करनी है, और उसकी आपको क्या बतानी है यहाँ पे कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर जो आपको गिवन है वो गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी डायमीटर की हाफ d/2 इज इक्वल टू 10.5/2 आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर ये इसकी क्या जाएगी रेडियस। अब रेडियस आने के बाद में आप फाइंड आउट करेंगे इसका इनर एरिया, इनर सरफेस एरिया, इनर सीएस और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास सी एस ए का 2πr² 2 × π की हो जाएगी 22/7 / रेडियस हो जाएगी इसमें 5.25 × 5.25 इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 22/7 एज इट इज इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ पे 525/100, सिमिलरली भी हो जाएगा 525/100, कैंसिल आउट करेंगे इसको 25 से तो हो जाएगा 25 से कैंसिल करने में 4 हो जाएगा 21, सिमिलरली 4 और ये हो जाएगा मेरे पास 21, 7 से 21 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3, ये फाइनल अपने पास आएगा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने में, और भी आगे कैंसिल करो इसको तो ये हो जाएगा 2, 2 से 22 को करेंगे तो हो जाएगा 11, तो 11 × 21 × 3 डिवाइड बाई अपने पास हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 11 × 63 / 4 इज इक्वल टू 693 / 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया इसका इनर सी एस ए, इनर सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल अपने पास आ गया 393/4 cm². अब आपको फाइंड आउट करनी है इसकी कॉस्ट, कॉस्ट आपको गिवन है यहाँ पे कॉस्ट पर 100 m² गिवन है 16 rupees, 1 m² की कॉस्ट हो जाएगी यहाँ से 16 अपॉन में हो जाएगा 100, और टोटल जो अपने पास एरिया है वो आया है 693/4 m² ये 100 cm² है यहाँ पे, ये भी इसको सेंटीमीटर स्क्वायर करना 1 cm², और ये भी हो जाएगा 693/4 cm² की जो कॉस्ट आपके पास है यहाँ पे वो हो जाएगी 16 × 100 × 693/4, कैंसिल करेंगे 4 से 16 को कैंसिल करेंगे 4 times,
ये हो जाएगा 4 को 693 से मल्टीप्लाई करने पे, 4 को 3 से करेंगे 12, 4 को 9 से करेंगे 36, 37, 7, 3, 6, 4, 24, 3, 27, 27.72, 2772 आएगा, अपॉन में 100 है तो पॉइंट लग जाएगा टू डिजिट के बाद में, तो 27.72 रुपीज ये इसका अपने पास आएगा यहाँ पे कॉस्ट, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो पहले उसका इन्हें सी एस ए फाइंड आउट किया, फिर फाइंड आउट कर लो इसकी कॉस्ट। कॉस्ट आपको गिवन थी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16 रुपीज, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो जाएगी 16/100, 693 बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो जाएगी 16/100 मल्टीप्लाई बाई 693 बाई 4, आंसर आएगा 27.72 रुपीज़, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर।